Hello, students. Good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today it's English literature turn. So, students, today we will be reading English literature in our today's class. And since today we are going to start a new chapter of our English literature book as we well, say, and send the number of this new chapter, chapter 5, and the name of this chapter 5 is There Will Come Softness. Okay. So, all students, please press partial attention class and listen to my words clearly because, since today we are going to read chapter 5, There Will Come Softness, and included this chapter 5, we will read this poem uh, with about its word, vision page number 50, and after that, we will read a note on poem and hard words of this chapter 5, There Will Come Softness, in our fair English literature notebook in our today's class. Okay. So, all students, let's say this chapter 5.

uh included this chapter 5 there will come a uh, soft we will read about peace and harmony okay so students turn your page for it and look at this page number 50 let's read this poem students the poem talks of how mankind would perish an account of war but the natural cycles

कंटिन्यू इट्स मीन जारी रहता है फॉर एवर इट्स मीन हमेशा के लिए ओके दि पोन टॉक्स ऑफ हाउ मैन काइंड पेरिस ऑन अकाउंट ऑफ वॉर बट द नेचुरल साइकल्स कंटिन्यू फॉर एवर इट्स मीन कविता बताती है कि कैसे युद्ध के कारण मानव जाति नष्ट हो जाएगी लेकिन प्रकृिक चक्र हमेशा के लिए जारी रहता है ओके सो सोस्ट्रेंड्स ये जो पोम है ये जो कविता है ये हमें बताती है कि युद्ध के कारण मानव जाति कैसे नष्ट हो जाएगी लेकिन जो प्रकतीक चक्र है ना वो हमेशा के लिए जारी रहता है ओके सो सोस्ट्रेंड इंक्लूडिड दिस पोम इस पोम के अंतर्गत हम रीड करेंगे कि कैसे जो मैन है जो मानव जाति है वो पेरिस हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी नष्ट हो जाएगी ओके okay. किसके कारण वॉर के कारण युद्ध के कारण लेकिन जो नेचुरल साइकिल्स है ना जो प्रक

and not one will know of the war not one will care at last when it is done not one would mind neither bird nor tree if mankind perished or and spring herself when she woke at dawn would scully know that we were gone. okay so then let's see first number start of this poem there will come soft rains and the smell of the ground okay.

आ, हल्की बारिश आएगी और जमीन की महक आएगी ओके सो फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा कि जब रेंस होती ना जब बारिश होती ना तो बहुत ही सॉल की ग्राउंड से सॉल की बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है okay. ओके जमीन से मिट्टी की बहुत ही सोनी सोनी सी बहुत अच्छी सी स्मेल आती है ओके तो देयर विल कम्स ऑफ रेंस एंड दी स्मेल ऑफ द ग्राउंड इट्स मीन कि हल्की बारिश आएगी और जमीन की महक आएगी ओके okay.

की और अवाबिल पक्षी अपनी झिलमिलाती आवाज़ के साथ चक्कर काट रहे हैं ओके तो स्ट्रेंड्स दी मीन ऑफ दिस फर्स्ट नंबर स्टैंड हल्की बारिश आएगी और जमीन से महक आएगी ओके okay, भूमि से महक आएगी और अबाबिल पक्षी अपनी झिलमिलाती आवाज़ के साथ चक्कर काट रही है ओके okay, सो

Uh, तालों में गा रहे हैं ओके एंड वाइल्ड प्लम ट्रीज इन ट्रम्लेस वाइट। ओके एंड मीस और वाइल्ड मीन जंगली प्लम इन मीन दैट ट्रिमली ओके एंड वाइट मीन सफेद ओके एंड वाइल्ड प्लम ट्रीज इन ट्रमल्लस वाइट इट्स मीन और जंगली भीड़ के पेड़ों में कब सफ़ेद ओके सर so, स्ट्रेंड्स so, जब रेन होगी बारिश होगी तो बहुत ही अच्छी सी ग्राउंड से स्मेल आएगी ओके और ये जो सालोस होंगे ना अब अभी पक्षी होंगे वो अपनी जिल मिलाती आवाज के साथ चक्कर काट रहे होंगे और जो फ्रॉक्स होंगे मेढक होंगे ना वो नाइट टाइम में रात के समय में वो सिंगिंग कर रहे होंगे पोल्स में तालों में गा रहे होंगे और जंगली भीड़ों के पेड़ में कप कपाते वाइट ओके सफ़ेद ओके जंगली बेर के पेड़ों में Uh, कप कपाटे सफीद uh, रॉबिन uh, अपनी प्रदीप्ति uh, पंख uh, पहन रहे होंगे ओके लेट्स सी ओकेस्ट लाइन ऑफ दिस थर्ड नंबर स्टैंडर्ड विस्लिंग डियर विम्स ऑन अ लो विस्लिंग विस्लिंग मींस ऑफ विसलिंग विस्टलिंग सीटी बजाना ओके तो विस्लिंग मींस सीटी बजा रहे ओके डियर मींस अपनी विम्स हेयर द ओके ऑफ विम्स द विम्स दैट आर जस्ट इट्स मीन होता है

थोड़ी सी ऊट की, की लकड़ी की छड़ियों की वो एक सराउंड एरिया बना दी जाती है ना उसे बोलते हैं फेंस अ लो फेंस वायर इट्स मीन कि कम बाढ़ के तार पर ओके विस्लिंग डी आर ऑन अ लो फेंस वायर इट्स मीन कि उनकी आगरे की सीटी जाती हुई कम बाढ़ के तार पर ओके okay? तो कम बार के तार पर उनके आग्रहों की सीटी बजाते हुए उनके आग्रह की सी टी बजाते हुए क्लियर सी फोर नंबर स्टैंड ऑफ दिस पोम एंड नॉट वन नो ऑफ विफ नॉट वन ओके ओकेर एट लास्ट व्हेन इट इज डन ओके नॉट एंड मिस सॉ नॉट वन इट्स मीन नॉट वन इट्स मीन कोई नहीं ओके कोई नहीं वेल नो इट्स मीन जाने का ऑफ मीस uh, का दीवार दीस यूट नॉट वन इट्स मीन कि कोई नहीं या एक भी नहीं ओके एंड नॉट वन नो ऑफ द वार नॉट वन इट्स मीन वे कैंट टू से दैट की, uh, that, की uh, और किसी को युद्ध का पता नहीं चलेगा एक को नहीं ओके okay? किसी को भी युद्ध का पता नहीं चलेगा एक को भी नहीं ओके okay? एक भी पर्सन को नहीं विल केयर एट लास्ट वेन इट इज डन ओके विल केयर इट्स मीन ध्यान देंगे एट लास्ट इट्स मीन अंत में वैन मीन जब इट इज डन जब यह हो जाएगा ओके विल केयर एट लास्ट वेन इट इज डन इट्स मीन की अंत में ध्यान देंगे जब यह हो जाएगा नॉट वन वुड माइंड नाट दर वर्ड नॉट री इफ़ मैन काइंड पेरिस्ट अटर्ल्टी ओके नॉट वन उड माइंड इट्स मीन की कोई भी माइंड नहीं करेगा माइंड में सेंस होता है आप अट्राच uh, करना ओके okay, तो नॉट वन उड माइंड इट्स मीन की कोई भी किसी को भी अटैच नहीं होगा ओके okay, ना किसी को अट्राच होगा ना इधर पर इट्स मीन ना तो पर्ची को

अटर्टली इट्स मीन कि पूरी तरह से ओके कंप्लीटली इफ मैन काइंड पेरिस्ड अटर्टली इट्स मीन कि अगर मानव जाति पूरी तरह से नष्ट हो गई ओके लेट्स लास्ट ऑफ दिस वोम एंड स्पिंग हर सेल्फ वैन सी वॉक एट डॉन उड स्काली नो दैट वी वर गॉन ओके तो इसमें एन मीस और स्प्रिंग इट्स मीन कि बसंत ऋतु हर्सल मीन स्वयं से ओके वैन मीस जॉब सी मीन वे वोक एट वोक इट्स मीन कि जागेगी उठेगी ओके एट डॉन या दिन ऑफ एट डॉन इट्स एट डॉन मीन्स होता है भोर ऊषा का ओके उसे बोलते हैं एट डॉन जब मॉर्निंग में जो फोर टू फाइव का टाइम होता है थर्ड टू फोर एम का टाइम का टाइम होता है ओके इट्स uh, मीन कि तीन बजे से ना पाँच बजे का जो टाइम होता है जब मॉर्निंग में अंधेरा रहता है ना उसे बोलते हैं हम डॉन ओके डी ए डब्ल्यू डॉन ऑफ डॉन एट भोर उषा काल क्लियर जब सनसाइन uh, नहीं करते सूरज नहीं उगता है ओके एंड स्पिंग हर सेल्फ वैन सी वॉक एट डाउन इट्स मीन कि और खुद बसंत ऋतु जब uh, जब uh, वह भोर में जागेगी ओके okay? और खुद बसंत ऋतु जब वह भोर में जागेगी ओके एंड सेंट लेट्स सी नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंड उड इसकाली नो दैट वी वर गोन ओके उड से या कठिनता से ओके उड मुश्किल से जाने की या कठिनता से जाने की ओके उड इस मुश्किल से जाने की या कठिनता से जाने की दैट मीन्स की वी वर गोन इट्स मीन की हम चले गए थे ओके एंड उड इस नो दैट वी वर गोन इट्स मीन की शायद ही उसे पता होगा कि हम चले गए थे इस काली मुश्किल से या कठिनता से या शायद ओके शायद ही पता होगा कि हम चले गए थे ओके तो स्ट्रेंड्स और जब बसंत ऋतु ओके जब खुद बसंत ऋतु भोर में जागेगी तो शायद ही उसे पता होगा की

1884 टू 1933 ओके okay, 1884 से 1933 तक ये अमेरिकन पोएट्री हैं अमेरिकन कवित्री रही हैं सी वॉज बॉर्न इन एस टी तो स्ट्रेंड इनका जन्म मशहूरी के एस में हुआ था एंड सेंट आइडियाज ऑफ ट्वेंटी थ्री तेईस साल की उम्र में सी पब्लिश उन्होंने प्रकाशित की थी हर मिस अपनी फर्स्ट पोम इट्स मी पहली कविता एंडमी सो लेटर में इस बात में हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड इट्स मीन की पद का पहला खंड ओके सोनेट्स टू ड्यूज एंड अर पोम्स इटम दूसरी कविता नाइनटीन हंड्रेड सेवन ओके तो आइडियाज ऑफ ट्वेंटी थ्री सी पब्लिश फर्स्ट पोम एंड लेटर हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड सोनेट्स टू ड्यूज एंड अदर पोम्स नाइनटीन हंड्रेड सेवन इट्स मीन की तेईस साल की उम्र ओके ट्वेंटी थ्री गेट में तेईस साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कविता प्रकाशित की और बाद में इन्होंने अपना पद का पहला खंड सोनेट्स टू ड्यूज और अदर पोम्स दूसरी कविताएँ इन्होंने पब्लिश की ओके इन्होंने सोनेट्स टू ड्यूज और अदर पोम्स नाइनटीन हंड्रेड सेवन में पब्लिश की थी ओके अट सेकेंड एंड थर्ड कलेक्शन वर, ओके तो स्टूडेंट्स हर मीन्स उनके सेकंड मीन्स दूसरे और थर्ड मीन्स तीसरा कलेक्शन संग्रह, ओके वर मीन्स था तो इनकी पोम्स का जो सेकंड और थर्ड कलेक्शन था ओके दूसरा और जो तीसरा संग्रह था वो था हालन ऑफ ड्रॉय एंड अदर पोम्स हंड्रेड इलेवन ओके तो हालन ऑफ ड्रॉयज एंड अदर पोमेंट पब्लिश हुआ था नाइनटीन हंड्रेड इलेवन में उन्नीस सौ ग्यारह में एंड रिवर्स टू दी ओके और रिवर्स टू दी स्टेंट पब्लिश हुआ था इट्स मीन तो इनकी जो और थर्ड पोम का जो कलेक्शन था इनकी जो दूसरी और तीसरा जो इनका संग्रह था पोम्स का का था, कविताओं वो मून नाइनटीन ऑफ सिक्स एंड स्टार्ट टू नाइन नाइनटीन हंड्रेड अदर फेमस वर्क ओके अदर फेमस वर्क है कुछ दूसरे इनके बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कार्य बहुत ही प्रसिद्ध इनकी है, वो हैं फ्लेम एंड सैडो ओके विच इज़ पब्लिश इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी ओके जो नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी में पब्लिश हुई थी डार्क ऑफ द मून नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स ओके नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स में पब्लिश हुई थी एंड स्टार्स टू नाइट नाइनटीन हंड्रेड थर्टी में पब्लिश हुई थी ओके okay, सारी फ्लम एंड सैडो डार्क ऑफ द मून एंड स्टार्ट टू नाइट इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस बात है बहुत ही ज्यादा फेमस इनकी बहुत ही ज़्यादा इनकी प्रसिद्ध कविताएं ओके हर पोम्स आर म्यूजिकल एंड लिरिकल इट तो कन्वर्सेशनल इन ट्यून ओके okay, हर मीन्स उनकी पोम्स मींस कविता म्यूजिकल इट्स मीन संगीत में एंड मीन्स और लिरिकल इट्स मीन गीतात्मक ओके okay, इट मीन्स फिर भी कन्वर्सेशनल इन संवादी इन मीस में ट्यून मीस ओके हर पोम्स आर म्यूजिकल एंड लिरिकल एट कन्वर्सेशनल इन टोन ओके तो स्ट्रेंड्स इनके जो पोम्स हैं इनकी जो कविताएं हैं वो म्यूजिकल एंड लिरिकल है इट्स मीन की संगीत में और गीतात्मक है फिर भी टोन में कन्वर्सेशनल है इट्स मीन की शॉर में संवादी कन्वर्सेशनल में स्टूडेंट्स होते हैं संवादी टोन में तो इनकी जो पोम्स है कविताएं हैं वो म्यूजिकल हैं लिरिकल हैं संगीत में है और गीतात्मक है ओके okay, लेकिन फिर भी इनके जो पोम्स है ना वो कन्वर्सेशनल है टोन में ओके okay, स्वर में संगीत स्वर में संवादी है कन्वर्सेशन में संवादी ओके शी वन द कोलम्बिया पोएट्री प्राइज नाउ नोन एज द पोलिटर प्राइज फॉर पोएट्री इन नाइनटीन ओके तो स्ट्रेंड्स सी मीस उन्होंने वन में जीता वन इट द सेकंड फॉर्म ऑफ विन विन में जीतना वन मिज जीता दी कोलंबिया पोयट्री प्राइज ओके तो स्ट्रेंड्स इन्होंने চাৰদ টিছালা যি নলম্বিয় প'ট্ৰি প্ৰাইজ জীতা নাও নোন এজ আ প'লিটাৰ প্ৰাইজ অঞ্চলটো ইহঁতৰ প্ৰাইজ জিাত থলম্বা पोइट्री प्राइज इस कोलंबिया पोएट्री प्राइज को पोलिटाजर प्राइज के रूप में जाना जाता है ओके एंड स्टूडेंट्स फॉर के लिए पोइटरी पोएट्री कविताओं इनमीस में नाइनटीन हंड्रेड एटीन ओके तो स्ट्रेंड्स सारा टेस्डाला जी ने कोलंबिया पोएट्री प्राइज जीता ओके नाइनटीन हंड्रेड एटीन में अपनी पोएट्री के लिए अपनी कविताओं के लिए अपनी पोम्स के लिए और इस कोलंबिया पोएटी प्राइज को अब पोलिटाजर प्राइज के रूप में जाना जाता है ओके सिर्ट वी हैव रीड अबाउट दिस पोइट सारा टेस्टाला Uh, of this poem, there will come soft rains, and I hope you must have understood about poet. Okay, you have no problem in this topic. Okay, so, friends, let's see uh, this poem. Okay, students, your uh, poem is uh, There Will Come Soft Rains. Okay, it's a poem. No? Okay, students, now we are going to read a note on a poem of this chapter in our English literature notebook. Okay, students, let's see poem There Will Come Soft Rains and the smell of the ground and swallows circling with your simmering sound. And frogs in the pool singing at night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear dear feathery fire, and whistling deer whims on a low fence wire. And uh, not one will know of the war. Not one will care at last when it is done. Isn't the poet of this poem? Uh, there will come soft rains. Is is a since the poet name of this poem is a Sarah uh, Teres Okay, this so is Sara Teres uh, it's a poet of this uh, poem, There Will Come Sovereigns. Okay, the so Sarah, uh, Sarah Tis Dala is chapter 5, There Will Come sufferings. Okay. okay, So, since we have read this poem, and I hope you must have understood this poem. And since I hope, uh, I think that I have no need to explain this poem uh, again because since I have explained this poem.

गिवन वर्ड इज मैन कैंड अगैन ओके आई की आई इंड मैन कैंड इट्स मीन मानवजाति ओके मैन इज़ हेयर इज़ रिपीटेड दिस वर्ड मैन कैंड ओके विम्स डब्ल्यू एच आई एम एस विम्स एंड स्ट्रेंट हर द मीन स्ट्रेंड्स होता है टॉपिक पोम एंड हार्ड वर्ड ऑफ दिसाइव सो स्टेंट शुड इज योर क्लास वर्क इज दैट नोट डाउन पोम एंड हार्ड वर्ड दिसाइव ऑफ फ्रेंड्स इन In your fair English literature notebook with your best in writing. It's a today's classwork. And since your homework is that learn poem of this chapter 5, uh, there will come soft rains from your English literature book as well as So, today's homework. And since I ho hope you have no problem for learning work because since I have explained this poem, okay, so all students firstly complete your classwork. Uh, note down poem and hard words of this chapter 5, there will come soft rains in your fair English literature notebook with your best in writing and send me a here Thank you.